हाय फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और बैनर देख के आप सबको पता चल ही गया है कि हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेंपल, जिसकी प्लानिंग 10 दिन पहले ही हो चुकी थी और आज वहाँ महोत्सव होने वाला है, तो जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं और आप सबको भी उसका व्यूज़ नज़ारे दिखाएंगे। तो आप सब जो भी मेरे यहाँ पर न्यू हो, जो न्यू आए हों, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। और आप लोगों को आगे का व्यू दिखाते हैं तो फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब हम लोग तैयारी करेंगे जाने की। तो सबको रेडी कर रही हूँ, फटाफट सब रेडी हो जाए, उसके बाद हम लोगों ने जाना है। कन्वेज हमारे पास है मोटरसाइकिल, स्कूटरी, और यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है। तो अभी रास्ते में चलते हुए रास्ते का व्यू और वहाँ का व्यू आप दोनों को, आप सबको वो दोनों व्यूज़ दिखाएंगे। अंश, तुम भी चल रही हो ना, हाय बोलो, सबको हाय बोल दो, हाय। ये है हमारे घर से इस्कॉन मंदिर का जाने का रास्ता। तो रास्ता मुझे खुद भी नहीं पता था, एक फ्रेंड के साथ हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे। अब ये रास्ता अगर आप लोगों को पता है तो देख के आप लोग पहचान ही जाओगे कि ये रास्ता कौन सा है। तो कितना अच्छा नज़ारा है, हम लोग दोपहर के टाइम पर निकले हैं, सब इंजॉय करते हुए जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अब आगे मंदिर पूरा रास्ता ओपन है, एकदम खाली सड़क, बहुत मज़ा आ रहा था। रास्ते की साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा लोकेशन है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोगों को जा रहे हैं मौज मस्ती करते हुए, हम लोग फिर इस्कॉन मंदिर में पहुँच के फिर उसका व्यू दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, दोपहर का टाइम है, अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं क्योंकि शाम का प्रोग्राम है, 7:30 बजे आरती होगी। तो जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे, थोड़ी देर हम लोग फोटोशूट करेंगे, उसके बाद आपको शाम का व्यू भी दिखाएंगे। हम लोग इस्कॉन मंदिर पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखो का नज़ारा। अभी बाहर फंक्शन की तैयारी हो रही है, नीर पूरी हो रही है, धीरे धीरे शाम तक पूरी भी हो जाएगी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.